चुनाव बनने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र से अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया और रायबरेली चले गए। मैं वोट मांग रही हूँ उस नरेंद्र मोदी के लिए जिसने महामारी से गरीब की जनता की जान बचाई। जो क्षेत्र लापता सांसद के नाम से जाना जाता था, आज उस क्षेत्र के सांसद का पता ये है कि वो मुख्यालय गौरीगंज में रहती है। अब इतना अहंकार तो अशोक रावण में भी नहीं था। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है, दम है कांग्रेस में तो पताका हाथ लगाकर दिखा दे, ईंट से ईंट ना बजा दी तो हम भी अमेठी वाले हैं। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कांग्रेस वालों छेड़ोगे तो छोड़ने की फितरत हम भी नहीं रखते। अमेठी ने देश के लोकतंत्र में एक सुनहरा इतिहास रचा जब साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमेठी की जनता ने हराया। 2024 में भी अमेठी की देवतुल्य जनता ने वोट पड़ने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को एक सख्त संदेश देते हुए संकेत अपना भारतीय जनता पार्टी के प्रति आदर सत्कार दिखाया। चुनाव बनने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र से अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया और रायबरेली चले गए। आज रायबरेली के हमारे पूर्व अध्यक्ष दिलीप यादव जी यहाँ स्वयं पधारे हैं जनता को सचेत करने के लिए कि गत 5 वर्षों में रायबरेली की क्षेत्र की जनता को भी अगर कोई चुनौती का सामना करना पड़ता तो वो अमेठी वालों के पास सहयोग मांगने आते। आज रायबरेली जनपद के भी अध्यक्ष यहाँ पधारे हैं जनता से ये निवेदन करने के लिए 20 मई की जो तारीख है, आपके और आपके परिवार के भविष्य को निर्धारित करने वाली तारीख है। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार आने वाली है, दोनों सरकार के बीच में समन्वय को करवाना है और क्षेत्र में 20 मई को कमल का बटन दबाना है। यहाँ पर मेरी स्नेही बहनें उपस्थित हैं, सम्मानित भाई उपस्थित हैं। आज कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि जब कोरोना की महामारी आई तब कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता जनता के मध्य में काम करता हुआ नहीं पाया गया। जब कोरोना की महामारी आई तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मास्क और सैनिटाइजर बांटा। मैंने स्वयं पूरे क्षेत्र में ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए, जिसकी दरकार थी उसको अस्पताल पहुंचाया, हर अस्पताल में दवाई का विशेष प्रबंध करवाया और मोदी जी के सानिध्य में हर परिवार तक मुफ्त का टीका पहुंचाया। सबने टीका लगाया कि नहीं लगाया? किसने किसने टीका लगाया, हाथ उठाओ। दो लगाए कि तीन लगाए? दो। अब टीके, एक टीके की कीमत बाजार में 600 रुपया, दो लगाए दादा तो 1200 रुपया, वहाँ भाभी तीन लगाई हैं तो इसका मतलब 1800 रुपया। हम सब जानते हैं गरीब की जेब में अपने लिए जान बचाने के टीके के लिए 1800 रुपया नहीं। परिवार में अगर 5 लोग हैं तो खर्चा आता 9000 रुपया मात्र टीकाकरण के लिए, गरीब परिवार के पास 9000 रुपया नहीं था। इसलिए आज अशोक भले ही मेरे लिए वोट मांग रहा हो, लेकिन मैं वोट मांग रही हूँ उस नरेंद्र मोदी के लिए जिसने महामारी से गरीब की जनता की जान बचाई। आज भले ही अशोक मेरे लिए वोट मांग रहा हो, लेकिन मैं वोट मांग रही हूँ उस नरेंद्र मोदी के लिए जिसने हर गरीब तक मुफ्त का राशन भाजपा की सरकार में पहुंचाया। राशन आया कि नहीं आया? आया ना। आज भले ही अशोक मेरे लिए वोट मांग रहा हो, लेकिन मैं वोट मांग रही हूँ उस नरेंद्र मोदी के लिए जिनके सानिध्य में हमने पूरी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 गरीब परिवारों को आवास दिलवाया। आज भले अशोक मेरे लिए वोट मांग रहा है,
मैं वोट मांग रही हूँ के लिए, उस नरेंद्र मोदी के लिए जिन्होंने 4 लाख परिवारों को क्षेत्र में शौचालय दिलाया, उस नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने आई हूँ जिसने क्षेत्र में 3,50,000 परिवारों तक नलका पहुँचाया, 1.5 लाख परिवारों तक बिजली का कनेक्शन पहुँचाया और सलोन में दल बहादुर कोरी की याद में पॉलिटेक्निक भी बनाया, गोमती नदी का पुल जगदीशपुर से आ रही हूँ वहाँ पर गोमती नदी का पुल बनाया और दल बहादुर कोरी ने वर्षों की जो मांग जनता की उठाई सही नदी का पुल भी भाजपा की सरकार के आदेश पर बना। इसलिए आज आपके मध्य में कहने आई कि 5 साल में से 2 साल था कोरोना का महामारी का, हमने 3 साल में वो काम कर दिखाया जो 30 साल पूरे क्षेत्र में ना हो पाया। आज यहाँ पर कई परिवार ऐसे हैं जो साल का 6,000 रुपया पाते हैं अपने खेत के लिए किसान सम्मान निधि का, पाते हैं कि नहीं पाते? पाते हैं ना। ये क्षेत्र गवाह है कि जब यहाँ पर कांग्रेस का सांसद था तो कांग्रेस के सांसद के चलते एक भी किसान के बैंक के खाते में अठन्नी तक नहीं आई। आज मोदी जी का संदेश लेकर आए हैं, 20 तारीख को कमल का बटन दबाओ और आने वाले 5 साल मुफ्त का राशन मोदी सरकार से पाओ, 20 तारीख को कमल का बटन दबाओ और आने वाले 5 साल किसान अपने खेत के लिए 6,000 रुपया पाओ। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेते हैं, साल में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मोदी जी कराते हैं। मैं अशोक आपके माध्यम से जनता को बतलाना चाहती हूँ, क्षेत्र में 7 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल चुका है, 35,000 लोगों का आयुष्मान भारत योजना के चलते 5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति इलाज हो चुका है। आज मोदी जी का संदेश लाई हूँ, आज मोदी जी का संदेश लाई हूँ कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे परिवार कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, समुदाय कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी 5 लाख रुपए का हर साल मुफ्त में उपचार पाएंगे अगर हम सब मिलकर कमल का बटन दबाएंगे। योगी मोदी की सरकार के बीच समन्वय का पुल दीदी स्मृति ईरानी के नाम का बनाएंगे। आज यहाँ पर आप सबके सम्मुख मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि क्षेत्र में कम से कम विधानसभा क्षेत्र में 100 सड़कें ऐसी हैं पक्की जो बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जो क्षेत्र लापता सांसद के नाम से जाना जाता था, आज उस क्षेत्र के सांसद का पता ये है कि वो मुख्यालय गौरीगंज में रहती है। लेकिन आज एक वादा और सलोन विधानसभा क्षेत्र में करके जाती हूँ। मैंने अशोक भैया से कहा 20 तारीख को लोग कमल का बटन दबाएंगे, 4 जून को पुनः मुझे सांसद बनाएंगे और उसके एक सप्ताह में मैं अपना कैंप का कार्यालय सलोन में खोलूंगी ताकि कार्यालय के काम के लिए किसी को गौरीगंज जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कमल का बटन। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अयोध्या जी से अक्षत भिजवाया, प्रसाद भिजवाया है कि नहीं है? मिला है प्रसाद और अक्षत? कितनों को मिला राम जी का? सबको मिला? कितने राम भक्त बैठे भैया बता दो, सड़क पे जो खड़े वो नहीं है क्या? है कि नहीं है? अब कांग्रेस ने ये कह दिया, कांग्रेस ने ये कह दिया कि अगर राम भक्त एक भी वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष में तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे। अब इतना अहंकार तो अशोक रावण में भी नहीं था, राम जी के मंदिर के निर्माण को पलट दे ऐसी ताकत किसी में नहीं। मैंने कहा भाई अशोक तो सलोन में है, मैं गौरीगंज में हूँ, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है, दम है कांग्रेस में तो पताका हाथ लगाकर दिखा दे, ईंट से ईंट ना बजा दी तो हम भी अमेठी वाले हैं। हमने सभी धर्मों का सम्मान किया, अमेठी इस बात की साक्षी है, सभी धर्मों का सम्मान किया, बिना पक्षपात के सबका काम किया, हम किसी को छेड़ते नहीं।
लेकिन कांग्रेस वालों छेड़ोगे तो छोड़ने की फितरत हम भी नहीं रखते। इसलिए विशेष राम भक्तों से कहने आई हूं, लंका बनी थी सोने की, कांग्रेस ने भी देश का बहुत सोना लूटा है। लंका बनी थी सोने की, राम जी से पहले राम भक्त पहुंचे थे लंका, जिनका नाम था क्या नाम था क्या नाम था और हनुमान जी ने क्या किया था। तो इसलिए आज राम भक्तों से कहने आई हूँ, लोकतंत्र के मंदिर में पुष्प चढ़ता है ना, लोकतंत्र के मंदिर में हमें कमल का फूल चढ़ाना है। इसलिए राम भक्तों से कहती हूँ, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ। 20 तारीख को भक्तों कमल का बटन तो बोलो भारत।